हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहूँगी कि कैनेडा में जो है मेडिकल सिस्टम कैसा है। अलग अलग होते हैं सभी के। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपको कैनेडा में आते हैं तो हेल्थ कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड बनने के बाद उसको टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको फैमिली डॉक्टर बनाना होता है। फैमिली डॉक्टर बनाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, किसी दिन के आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट देने के बाद डॉक्टर देखने की कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। उसके बाद आपको वो आपके अकॉर्डिंग दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी मोस्टली दवाइयाँ जो है इंडिया की तरह नहीं होती हैं। जैसे बॉक्सेस एकदम नॉर्मल से ऐसे खोलो और खुल जाएँ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी। ये दवाइयाँ हैं, ये सिरप हैं। सभी का यहाँ खोलने का मेथड थोड़ा अलग है। उसमें काफ़ी लोग स्टार्टिंग में काफ़ी परेशान रहेंगे। इसको बस थोड़ा सा इसको दबाना है ज़ोर से और फिर खोलना है। यहाँ इजीली कोई भी मेडिसिन नहीं खुलती है। और इसको विंटर्स में तो मोस्टली वायरल का रहता है, तो अपना ध्यान रखें। शुगर किट वगैरह इस तरह के सिरप होते हैं, इनको अच्छे से प्रेस करके फिर इसको राउंड करके इसको घुमाना होता है। इस टाइप की मेडिसिन होती हैं। और जब आप जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो वो आपको इस तरीके से मतलब प्रिंट आउट पेस्ट करके ऐसे आपको दवाई देता है इंडिया के अकॉर्डिंग। नहीं, अगर आप किसी ड्रग मार्ट से लेते तो वो इस तरीके से होगी। कॉस्को वगैरह से लेते तो इस टाइप की होती है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।